देखिए गाइस, कल मैंने एक पीटीटी का एक वीडियो अपलोड किया था करीब 6 बजे। उस वीडियो में जो भी कमेंट्स आए थे बच्चों के, तो उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो देख लेते हैं पहला कमेंट्स क्या आया था। पहला कमेंट से बच्चे का आया था, सर काउंसलिंग के लिए थर्ड ईयर का रिजल्ट आना ज़रूरी है क्या सर, प्लीज़ आंसर दे देना प्लीज़। देखिए, अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हैं और अगर आप मान लीजिए आपको कॉलेज मिल जाता है, अगर कॉलेज मिल जाने के बाद अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। एप्लीकेशन लिखने के बाद वो एप्लीकेशन आपको जो आपको कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज में वो एप्लीकेशन आपको सबमिट करना होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। थर्ड ईयर का रिजल्ट तो अभी तक नहीं आया है और 2 वर्षीय वालों की काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अगला कमेंट्स देख लेते हैं। अगला कमेंट से बच्चे कहा था कि सर 4 वर्षीय वालों की कितनी फ़ीस लगती है। देखिए, चार वर्षीय वाले जो बच्चे हैं, अगर हम फीस की अगर हम बात करें तो देखिए 22,000 रुपये जो होती है आपकी कॉलेज की फ़ीस होती है, ठीक है। 5,000 रुपये जो होती है आपकी वो काउंसलिंग की फ़ीस होती है, तो टोटल फीस होती है आपकी 27,000 रुपये, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला कमेंट देखिए क्या आया था। अगला कमेंट से बच्चे का आया था, सर कॉलेज लॉक के बारे में कुछ बताएं। तो कॉलेज लॉक के बारे में क्या जानना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आपने काउंसलिंग करवाई है, आपने काउंसलिंग करवा ली, पूरी प्रक्रिया करवा ली, काउंसलिंग करवाने के बाद आपने कॉलेज चूज़ कर लिए, कॉलेज चूज़ करने के बाद उसके बाद आपको कॉलेज लॉक करना होता है कि मान लीजिए कि आपने 10 कॉलेज कितने लॉक किए, 10 कॉलेज लॉक किए हैं, 20 कॉलेज लॉक किए हैं, 30 कॉलेज लॉक किए हैं, तो नंबर के आधार पर ही आपको कॉलेज लॉक करना होगा। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो कम से कम कॉलेज लॉक कीजिए, अगर आपके नंबर कम हैं तो आपको ऑल रजिस्ट्रार चूज़ करना होगा, ठीक है। अगला कमेंट्स देख लेते क्या आया था बच्चे का। सर मेरे बीए में 45% से कम, लेकिन एमए के बेस पर बीएड कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक एमए फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो बताइए क्या करूँ, एडमिशन हो जाएगा। जी हाँ, आपका एडमिशन हो जाएगा। इनका नाम क्या है देख लेते हैं, इनका नाम है मदन चौधरी। तो मदन चौधरी जी पूछ रहे हैं कि बीए में 45% से कम है, लेकिन एमए बेस पर बीएड कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक एमए फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा। देखिए, आपका एडमिशन हो तो जाएगा, जो आपको कॉलेज अलॉट होगा उस कॉलेज में आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी। एप्लीकेशन देने के बाद एप्लीकेशन में आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी होगी कि ऐसी प्रॉब्लम है कि एमए का रिजल्ट आया नहीं है, जैसे ही एमए का रिजल्ट आएगा वैसे ही मैं अपना ओरिजिनल जो रिजल्ट है वो मैं सबमिट बाद में कर दूंगा, ये आपको एप्लीकेशन में लिखना होगा। अगला कमेंट से बच्चे का आया था गौरव कुमार, इनका कमेंट्स ये है, इनका सवाल ये है कि 5,000 पेमेंट कट गई है लेकिन पेमेंट स्टेटस फेल दिखा रहा है। थोड़ी भाई टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, मैंने कल पता किया था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए ये फेल्ड वाला जो है वो ऑप्शन आ रहा है, स्टेटस वाला जो फेल्ड दिखा रहा है उसी के कारण आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। अगला कमेंट से बच्चे का आया था धीरज जी का, सर मैंने पीडीटी का फॉर्म में मैथ्स फिजिक्स फिल की थी, क्या मैं मैथ केमिस्ट्री वाला कॉलेज में रख सकता हूँ, आगे ये चीज़ प्रॉब्लम तो नहीं करेंगी। आपने जो कमेंट्स किया है, आपका जो सवाल है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि आपका सवाल क्या है। अगला कमेंट्स देख लेते हैं। अगला कमेंट से बच्चे का, हाँ अगला कमेंट से बच्चे का आया था JM, सर 5,000 रुपये मैंने कर दिया है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल बता रहा है, बट कॉलेज चॉइस फिलिंग में नॉट एलिजिबल फॉर कॉलेज चॉइस फिलिंग बता रहा है, अब क्या करें बताइए प्लीज़ सर। तो देखिए, अब आपने 5,000 रुपये तो आपने फीस जो है वो आपने सबमिट कर दी, ठीक है, अब आप बता रहे हैं कि कॉलेज चॉइस हम नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, जो कॉलेज भर चुके होंगे वो कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, जो कॉलेज पूर्ण रूप से फिल हो चुके होंगे वो कॉलेज आपको फिल नहीं करना है, जो कॉलेज अभी तक नहीं भरे हैं, जिन कॉलेज की सीटें जो हैं वो अभी तक नहीं भरी हैं, तो वो कॉलेज आप चूज़ कर सकती हैं, जो कॉलेज भर चुके हैं वो कॉलेज आप चूज़ नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कमेंट्स बच्चों के यही आ रहे हैं कि मैंने 5,000 रुपये मतलब दे दिए हैं, मतलब यार रजिस्ट्रेशन मैंने करा लिया है 5,000 रुपये से, लेकिन ट्रांजेक्शन सक्सेस भी बता रहा है, लेकिन जो आपका स्टेटस है स्टेटस नहीं दिखा रहा है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ी सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है। अगला कमेंट से बच्चे का आया था, सर OBC से हूँ, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, बहुत कोशिश की पर नहीं बन रहा है, ये इन्होंने क्या लिखा है, ज़मीन की नकल ना होने पर तो मैं क्या करूँ सर, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए, टीना कश्यप जी कमेंट्स कर रहे हैं कि OBC का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है। तो टीना जी, मैंने अपने पिछले वीडियो में मैं आपको बार बार बता रहा था कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि अब कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, अगर आप बनवाने की कोशिश भी करेंगी तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बन पाए, लेकिन कोशिश कीजिए, बिना कास्ट सर्टिफिकेट के आपका एडमिशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो कोशिश करिए कि बन जाए आपका।
एक कमेंट्स आया था कविता जी का, ये कह रही हैं कि सर 5,000 का रजिस्ट्रेशन कब कराना होता। देखिए 5,000 रुपये का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन। जब आप 5,000 रुपये पे कर देंगी तब आप काउंसलिंग में हिस्सा ले पाएंगी, उसी के लिए 5,000 रुपये होता है। ठीक है, अगला कमेंट्स देख लेते हैं क्या आया था बच्चे का। अगला कमेंट से बच्चे का आया था 300 नंबर एससी आर्ट्स में ऑल राजस्थान करें या नहीं, अगर अच्छे नंबर होने पर भी ऑल राजस्थान कर दें तो कोई परेशानी तो नहीं होगी क्या सर? तो देखिए ऑल राजस्थान आपको नहीं करना है, 300 नंबर आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आपको ऑल राजस्थान चूज नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला कमेंट से बच्चे का आया था, इनका कमेंट्स ये है, सवाल इनका ये है कि सर बीए में मेरे 71% नंबर हैं, छात्रवृत्ति इनको मिलेगी क्या सर, प्लीज़ रिप्लाई दीजिएगा ओबीसी। जी हाँ, आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। चलिए बात करेंगे अगले कमेंट्स की। अगला कमेंट्स क्या बच्चे का आया था, अगला कमेंट्स अनिल जी का आया है, सर जी आप एक स्कॉलरशिप पर वीडियो बना दीजिए। ठीक है, कोशिश करूँगा स्कॉलरशिप पर मैं वीडियो बनाने की। कीर्ति शर्मा जी बोल रही हैं थैंक यू सर रिप्लाई करने के लिए, टंगस्टन स्टेटस आज सक्सेस हो गया है, थैंक यू सो मच सर। तो देखिए जो जो बच्चे 5,000 रुपये जो मतलब पेमेंट कर चुके हैं, यानी कि 5,000 रुपये से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उनका ट्रांजेक्शन फेल्ड दिखा रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि सर्वर की जो प्रॉब्लम चल रही है अभी फिलहाल, थोड़ा सा वेट कर लीजिए 1 से 2 दिन, ज़्यादा नहीं 1 से 2 दिन, तो ट्रांजेक्शन फेल्ड दिखा रहा है, वो अब सही हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, खुशबू जी बोलें कि 395 नंबर आर्ट्स जनरल फर्स्ट चॉइस में कॉलेज मिल जाएगा, वो तो मिल जाएगा। अगला कमेंट्स, स्कॉलरशिप कैसी मिलती है सर बीएड के लिए, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो देखिए चार वर्षीय वाले जो बच्चे हैं, 2 वर्षीय वाले जो बच्चे हैं, इनको स्कॉलरशिप मिलेगी। जो आपकी फ़ीस होती है 27,000 रुपये, वो 27,000 रुपये अगर आप चाहते हैं कि छात्रवृत्ति के रूप में आपको, यानी कि स्कॉलरशिप के रूप में आपको प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए आपको स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना होगा। उसके लिए आपको चाहिए जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और मूल निवास, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए आय प्रमाण पत्र जो है आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अगर 6 महीने से ज़्यादा पुराना है तो शपथ पत्र लगा दीजिए, काम कर जाएगा। उसी प्रकार से जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र भी आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अगर 6 महीने से ज़्यादा पुराना है तो शपथ पत्र लगा दीजिए, काम चल जाएगा। ठीक है, तो इतने ही कमेंट्स थे बच्चों के, जो कमेंट्स हमारे समझ में आए तो उन्हीं मैंने कमेंट्स को लिया था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो और कोई भी समस्या हो PTT को लेकर, कोई भी समस्या आ रही हो काउंसलिंग को लेकर, तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, रिप्लाई आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।